हाँ बेटा, मानसी कब हुई थी शुगर बेटा? स्वामी जी, मुझे 1 साल हो गया है शुगर जब मुझे डिटेक्ट हुई थी। मुझे सबसे पहले तो पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इरेगुलर पीरियड्स शुरू हुए थे, तो उस पर डॉक्टर ने मुझे एलोपैथिक दवाई दी, तो उससे मेरा वज़न बहुत ही कम होता रहा। अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 साल में मैंने करीब 20 किलो अपना वज़न कम हो चुका है मेरा एलोपैथिक दवाई से। और जब भी डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वो उनको बताए कि हमारा वज़न लूज़ हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हॉर्मोन्स अपने जगह पर आ रहे हैं तो होने दो। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप शुगर का टेस्ट करवा लो या ये भी कोई सिम्टम्स होते हैं बस। और एक इंसुलिन हमारी मेरी एक यूनिट और बढ़ाते जाओ, जब भी उनके पास जाओ वो एक और इंसुलिन का यूनिट बढ़ा कितना आ देते गई हैं। थी बेटा आपकी? मेरी इंसुलिन आ गई थी 16 यूनिट तक आ गई थी। 16 यूनिट। और यहाँ करके यहाँ अब पर आकर तो चमत्कार ही हो गया स्वामी जी, यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, 0 ही हो गई है कभी 0 कभी 1 लगाने पड़ती है। कभी। और हाँ, कितने दिन हुए बेटा मानसी आए हुए? मुझे करीब सिर्फ अभी 10 दिन ही हुए हैं, 10 दिन हुए। 10 दिन ही हुए तो हैं। और 2 सप्ताह में तो पूरी नॉन डायबिटिक हो जाएगी। इसको कंटिन्यू फॉलो करना बेटा। बिल्कुल स्वामी और जी, फिर थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली या इम्यूनोग्रीट, ये है ना ये पाउडर, हाँ जी, ये थोड़ा ले लेना। हाँ इससे जी, वजन बढ़ जाएगा वजन बेटा बढ़े, तुम्हारा। वो भी और पूरी आशा है मुझे। पीसीओडी भी ठीक हो जाएगी जब मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, गोमुख आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ कपालभाति करेगी तो 1 महीने में वो भी ठीक। बिल्कुल स्वामी जी, मुझे पूरी आशा है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक उम्र होके कितने जाऊँ। बेटा तुम्हारी? 24 साल है मेरी, 24। और लेकिन अब ग्रोथ, पूरी अच्छी हो जाएगी हाँ बेटा। चलो पीछे कम। अगले भाई को देना, पहले पीछे भाई भाई को बताइए। हाँ ओम स्वामी जी, मैं गुजरात से गांधीधाम से आया साहब। गांधीधाम से? मेरा 25 साल से और माताजी को मेरा डायबिटीज था सर, और जेनेटिक आया आपको? जेनेटिक आया था सर। लेकिन ये कितनों दवाई खा रहे थे, लेकिन 200, 250, 300 तक मेरा रहता था सर। अंग्रेजी दवाई खाता था मैं। जब से मधुनाशिनी और मधुग्रीड अपना पतंजलि का लिया सर, तो उसके बाद से मेरा थोड़ा डायबिटीज कम होने लगा, लेकिन उतना नहीं कम हो रहा था जितना कि वो, फिर भी 150-200 रहता ही था। यहाँ आने के बाद में मेरा डायबिटीज एकदम नॉर्मल हो गया। खाना खाने के बाद 122 और खाना खाने से पहले 120-10 हो गया था। और वेट कितना कम हो गया? वेट 6 किलो कम हो गया सर, 5। दोनों काम एक साथ हो, दोनों काम एक ये साथ बड़ी चीज है। और वो भी भी कंट्रोल 7 दिन के अंदर सर, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। अगले भाई को देना। तो डायबिटीज वेट के कारण से भी डायबिटीज होती है, स्ट्रेस से भी डायबिटीज होती है, जेनेटिक डायबिटीज होते हैं, अंग्रेजी के दवाओं से डायबिटीज होती है, योग न करने से डायबिटीज होती है। जी मेरे भाई। ओम स्वामी जी, चल। मेरा नाम प्रदीप सचान है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और मेरी उम्र 62 साल है। मुझे 16 साल से डायबिटीज़ थी, मेरे फादर को भी थी। और मेरी फास्टिंग शुरू में तो 500 रहती थी, और अभी जब आया हूँ मैं, 26 मार्च को मैंने टेस्ट कराए थे तो 9.5 H1BC था। और फास्टिंग मेरी अभी रहती थी 240-235 ऐसी रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में फास्टिंग मेरी 110-120 पे आ गई है। बिना किसी दवाई, कोई दवाई नहीं ली मैं, सिर्फ वो थेरेपी ली यहाँ पर, और जो आपका खान पान था वो लिया है, उसी से ठीक हो गया। और वाटर थेरेपी, मर्डर हाँ, बस थेरेपी, वो थेरेपी थेरेपी ली, सारी ली, उसी से ठीक हो गया। अगले को देना। कितने वर्ष पुरानी हो? अर्धमत्स्येन्द्रासन और वक्रासन। ओम स्वामी जी। ओम भाई, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं रेलवे में असिस्टेंट मास्टर हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या है, नाइट सेवा करनी पड़ती है, तो नाइट सेवा, और उसके बाद एक बार मुझे त्वचा का रोग हो गया था, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो दवा दिया, उस दवा से ही कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे जो है डायबिटीज है। उसके बाद उस दवा का को मैं जब सर्च किया, अपने ये इंटरनेट पे जब सर्च किया, तो पता चला कि उसमें वो सारी बातें लिखी हुई थी। काश अगर मैं पहले पढ़ लिया रहता था तो शायद मैं वो ट्रीटमेंट नहीं लेता। ये बात अच्छी बताई कि भाई कोई भी अंग्रेजी दवा खाओ ना, नेट पर जाके उसके साइड इफेक्ट पहले पढ़ लो, फिर हाँ तुम खा ही ना सकोगे उसको। वो सर्च नहीं किया, और जब बाद में देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो उसका असर है। और ऊपर से नाइट की जो ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आप रात का जगा हुआ कितना भी दिन में सो ले, वो भरपाई उसकी नहीं हो पाती, तो वो भी एक वजह रहा जिसमें कि हमारा जो है शुगर 250-300 तक हमारा बहुत दिन तक बना रहा। उसके बाद अंग्रेजी की दवा खाते खाते फिर अचानक हमारे एक मित्र थे झांसी के, उन्होंने मुझे जो है इंस्पायर किया, और ये सब चीज़ें जो बाबा जी का वीडियो देख करके वो जानते थे, उन्होंने मुझे सिखाया, तो उस सिखाए उसके बाद
मैं करते रहा मॉर्निंग वॉक और ये अपना प्राणायाम और सारे योगा ये सब करने के बाद थोड़ी थोड़ी दवा भी मुझे पतंजलि का उन्होंने ही बताया मुझे शुरू में मधुनाशिनी है पता लग गई। हाँ तो ये सब सारे उसके काढ़ा के भी बारे में कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा ये सब सारी चीज़ें करने के बाद जो है हमारा डायबिटीज जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। कहते धरती का स्वर्ग कश्मीर है लेकिन अगर एक स्वस्थ शरीर है तो उसका ये सबसे बड़ा आरोग्य केंद्र हमारा जो है पतंजलि योग ग्राम है। ऐसे बाबा मैं लोनावाला में रहता हूँ, आप जानते होंगे कैवल्य धाम वहाँ है हमारा, कैवल्य धाम भी है, लेकिन मेरा था कि नहीं बाबा के पास एक बार जाके बाबा से एक बार केवल दर्शन साक्षात कर ले तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। बहुत और बाबा एक मिनट में कभी सोचता था कि ये जो है तुम्हें वो माता वगैरह जो 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 मंत्र है वो किसके लिए गाया जाता होगा। आज कोई ऐसा पुरुष महापुरुष मिलते नहीं है तो जो है तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दृणम तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बहुत आशीर्वाद। अगले बच्चों को देना, दो बच्चों से पूछते हैं पहले। हाँ बाबू क्या नाम है? राघव। हाँ तुम्हारी क्या हाल है? ठीक। कितना था? 14 यूनिट था मेरा, अब 4 है। 14 से 4 पर आ गए, जोरदार काम कर लिया। कब हुआ था शुगर? मेरे को 2020 जनवरी। ओ दो साल हो गए। सारे दो अब निकल जाएगा पूरा, आगे देने गुड़िया। अभी इन बच्चों को पता भी नहीं शुगर क्या है लेकिन हो गया इनको। ये अंग्रेजी दवाइयों का ही प्रभाव है और अंग्रेजी जीवन पद्धति, विदेशी जीवन पद्धति। हाँ तन्नो मन्नो। हाँ। मेरा 62 यूनिट लगता था। हाँ। अभी 18 यूनिट लगता है। लेकिन ये उत्साह में रहती है गुड़िया, ये मुझे पूरा ठीक होना है, हो ही जाएगी, है ना बेटा? हाँ। चलो अगले भैया को देना। मेरा पहले 8 यूनिट था, अब 2 हो गया है। नाम तो बोलो अपना। कार्तिक। कार्तिक के लिए ताली बजा दे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको कैसे हुआ कार्तिक बाबू? मुझे पता ही नहीं इसको कैसे हो गया। मेरे पापा को कोविड था तो मैं उससे इन्फेक्ट हो गया तो मुझे डायबिटीज हो गया। कोविड से भी हुआ, ये भी ठीक बताया कार्तिक आपने। कोविड भी पेन के आज को गड़बड़ करता है। चलो पीछे वाले भाई को पूछ लो। मैं पंजाब से हूँ, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से जी। हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ 6 वर्ष पहले। मेरी उम्र 64 है। ते रिटायरमेंट के बाद मेरे को शुगर हो गया था, 250 रहता था। तो डॉक्टर मेरे को 100 मेट्राफार्मिन की गोली देते थे। वो अपना जब मैं आया था उस दिन 160 थी, तब फास्टिंग शुगर अब मेरी बिना दवाई से 106 रह गई। और कितने साल से थी आपको ये शुगर? 5 साल से। 5 साल से थी। मास्टर जी रोज करना आप है? रिटायर हो गया तब सुबह सुबह पूरा मेरे साथ किया करो। आगे भाई को देना। ओम गुरु जी। चलो पवन मुक्तासन करो। मैं महेश गुप्ता गया बिहार से आया हूँ गुरु जी जी। और ये विष्णु की नगरी बुद्ध की स्थली है, हमने सभी को देखा गुरु जी, मगर अब कलयुग के अवतार आप हो। मेरी 22 साल की डायबिटीज कंट्रोल में आ गई है गुरु जी, 14 यूनिट से 2 यूनिट में ले रहा हूँ आज। चलो दो भी छूट जाएगी अब जल्दी। हाँ सारी दवाइयाँ अंग्रेजी वाली बंद हो गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी कि यहाँ से जाने से पहले मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। नॉन डायबिटिक हो ही जाएंगे आप। और गुरु जी मेरा पनक्रियाज सिकुड़ गया है गुरु जी। वो पेन क्या धीरे धीरे अपने आप ही नॉर्मल आ जाएगा, आप मिट्टी पट्टी और वाटर थेरेपी करते रहना, है ना जी गुरु जी। बहुत आशीर्वाद, अब बहुत आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिल जाए गुरु जी। पवन मुक्तासन आशीर्वाद। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध आसन करना। स्वराज से पूछते हैं, स्वराज तेरा क्या हाल है बेटा? ओम स्वामी जी। मेरा 42 यूनिट था, 2018 में मेरा डिटेक्ट हुआ था शुगर फरवरी में, तो अभी 42 यूनिट था, यहाँ आके मेरा 12 हो गया है। 15 दिन हुए हैं अभी मुझे आए हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे विश्वास तो था यहाँ पे कम हो जाएगा इंसुलिन, और पहले 10 दिन में ही मेरा 15 आ गया था 42 से, अभी मेरा 12 हो गया है।
15 दिन हो गया है मेरा, 30 यूनिट कम हो गया है अभी। धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा स्वराजा ना बेटा। जी बाबा। बस कंटिन्यू करना, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है जी। इंसुलिन पर डिपेंडेंट को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, बाकी तो सामान्य डायबिटीज तो 7 दिन में 10 दिन में ठीक हो सकती है। जी ठीक है बेटा, आशीर्वाद अगली मैया को देना। चलो ओम स्वामी जी। अब अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती और अनुलोम विलोम। स्वामी जी मेरा 25 साल से डायबिटीज था। हाँ, ये मेरे पेरेंट्स को भी था। अब मेरी मतलब 170 रहती थी फास्टिंग। हाँ। अब 78-75 ऐसे करके पीपी और फास्टिंग भी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और दवाई? दवाई मतलब इंसुलिन चल रही है, दवाई बंद हो गई। कितनी इंसुलिन है अभी? 20 चल रही है दोनों टाइम की। पहले कितनी थी? 54। अरे राम राम, चलो ये भी निकल जाएगी अब तेरी। अब जैसे देख रही है ना, ये धीरे धीरे करके, चाहे 1-2 सप्ताह लगे या 1-2 महीना लगे, कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं, और डायबिटीज भी कब निकल गई पता ही नहीं। आगे देना, अनुलोम विलोम करो बच्चों से। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम पूर्णिमा भट्ट है, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरे थायराइड और शुगर की दवाई पिछले 2 साल से छूट गई है, अंग्रेजी दवाई छूट ही गई। और शुगर नॉर्मल रहता है? शुगर 100 आता है, फिर 150 पीपी। आपने तो बढ़िया एग्जांपल सेट कर दिया मैया। हाँ तो स्वामी मैं 20 साल से कर रही हूँ। हाँ। 20-22 साल से। और मेरी एक और प्रॉब्लम भी हो गई, मेरे को यूट्रस ओवरी में कैंसर की गांठ थी। ओहो। वो यूट्रस ओवरी तो निकाल दिया, लेकिन मेरे को आगे ट्रीटमेंट के लिए बोला था, मैंने नहीं किया। मैंने पूरा योगा किया, सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को 1-1.5 घंटा। मेरा 3 महीने का आता है, तीन आया अभी, अभी करा के आई हूँ। मैंने दवाई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। क्या बात, घर वाले सब बोलते रहे ले लो ले लो, मैंने किसी की नहीं मानी, मैं योगा ही करती रही। बड़ी हिम्मत वाली मैया है भाई, नहीं तो लोग तो कैंसर का तो नाम सुन के मर जाते। मेरे पीछे लगे हुए थे वो यूट्रस निकाल, मैंने कहा मैं कोई नहीं लेना ट्रीटमेंट, मैंने योगा करती रही स्वामी जी, दवाई भी नहीं खाई कोई। क्या नाम है? पूर्णिमा भट्ट, मैं अभी लाइफ मेंबर बनी हूँ। पूर्णिमा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है भाई, कैंसर तक को ठेला दिखा। कैंसर की गांठ थी, ये सब लोग बोले थे ट्रीटमेंट, घर वाले सब पीछे पड़े थे, मैंने एक की नहीं सुनी। नहीं तो तब तक तो ऑपरेशन करा के, रेडिएशन क्यूमो करा के तेरी भूतनी बना देते अभी तक तो। नहीं माना, फूट ऊपर माला टंग जाती, क्योंकि मैं 20-22 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। हिम्मत तो है इसके, देखो तो मैंने माना ही नहीं स्वामी जी। चलो ठीक है, बहुत आशीर्वाद अपने। हाँ लेकिन योग में फिर पूरा करना पड़ेगा। योग करती हूँ अभी भी, इसीलिए बच गई। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अभी भी करती हूँ। 2-2 घंटा का नाम, सुबह 2 घंटा शाम 1 घंटा। ओम स्वामी जी। छत्तीसगढ़ रायगढ़ से मैं गणेश अग्रवाल। स्वामी जी करीब 8-10 साल पुरानी मुझे डायबिटीज थी। मुझे एक बार हल्का सा मुझे छाती में दर्द हुआ और मुझे डॉक्टर निजी हॉस्पिटल में जब एडमिट किए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको अटैक आ चुका है और आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। चूंकि हमारे बड़े भाई साहब यहाँ कॉर्पोरेट मेंबर है, उन्होंने जीत किया कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये योग वगैरह करते हैं रेगुलरली, वो जीत करने लगे नहीं आपको स्टेंट डालना ही पड़ेगा। तो वो बोलने लगे पैसे की कमी है, ये है, वो बहुत प्रेशर किया। नहीं, बड़े भाई साहब मुझे हॉस्पिटल से वापस लेके आ गए और आपके बताए हुए तमाम उपाय हम करते रहे और बाद में हम योग ग्राम आए तो मुझे कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद इस बार मुझे डायबिटीज की समस्या कोरोना की वजह से बढ़ गई थी। मुझे 3 गोली सुबह शाम दोपहर लेनी पड़ती थी, आते ही पहले दिन से मेरी यहाँ दवाई छूटी, मेरा वजन भी 8-10 किलो कम हो गया। तो आपने तो नया जीवन पा लिया था जी। धन्यवाद। क्या बात, आगे देना भाई को। स्वामी जी प्रणाम, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ और मेरे को 25 साल से डायबिटीज है। डायबिटीज एसिडिटी और पेट दर्द की गोलियां खा खा के मेरे को एसिडिटी डायबिटीज हो गई और 2007 में मेरे को पैनक्रियाज में स्टोन डिटेक्ट हुए, क्रॉनिक पैनक्रियाज। तो मैंने अस्पतालों के चक्कर में सर गंगाराम दिल्ली में निकलवा दिए स्टोन। अब मेरे को डायबिटीज इंसुलिन लगता रहा, मैं आपके योगा करता रहा तो इंसुलिन मेरी बढ़ी नहीं घर पे भी। फिर मैं गंगाराम और वेदांता दोनों में रहा तो दोबारा मेरे को 19 में फिर आ गई मेरे को स्टोन पेन की आज में। तो उन्होंने कहा निकलवा दो, तो मैंने कहा मैं निकलवाऊंगा नहीं, मैं स्वामी जी की शरण में जाऊंगा। तो जब से मैं कर रहा हूं तो मेरे को प्रॉब्लम दर्द नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मैं आपके योगा और ये ट्रीटमेंट थेरेपी सब ले रहा हूं। बस आप पत्थर चटा और ले लेना जी। बस मेरे को पैनक्रियाज में स्टोन रह गए, यहाँ इंसुलिन मेरी 50% रह गई है। चलो वो भी निकल जाएगा, आगे देना भाई। बस स्टोन थोड़ा सा पत्थर चटा और खाना।
जी, पत्थर चटा के पत्ते खाना जी, और जो कुलथ और गोखरों का काढ़ा पीते रहना जी। कितने बार पीना है कोका? सुबह शाम पी लो, तीन बार पी लो, क्या दिक्कत। धन्यवाद। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मैं कानपुर यूपी से आया हूँ और आयुष कुमार त्रिवेदी मेरा नाम है। हमें 22 साल से डायबिटीज थे, दवा खाते थे 200-250 से कम इसी में रहते थे। जब से यहाँ आया हूँ तो मेरी डायबिटीज 100 से 107 और 130 से 140 के बीच में। दवाई कोई नहीं ले रहे? दवाई कोई नहीं ले रहे हैं। क्या बात है, तो जोरदार काम कर रहे हैं। और स्वामी जी एक चीज और, पत्नी को भी डायबिटीज है 2000 से। उनका क्या हाल है? उनका इंसुलिन पे हैं, वो भी आई हुई है यहाँ पे, लेकिन कल उनको डायरिया हो गया इसलिए आज कैंप में नहीं जा पाई। कोई बात। और उनको कई प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है और बीपी की प्रॉब्लम है। निकल जाएंगी सारी प्रॉब्लम एक एक का। पीछे वाले भाई को दे दो लास्ट, और सब भ्रामरी उद्गीत करो, ये बहुत जरूरी है। जी भाई साहब। स्वामी जी ओम प्रणाम। आपको शत शत प्रणाम। मैं दामोदर सातपुते जी, भंडारा नागपुर के पास में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ से हूँ। जी, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में काम करता था, अभी रिटायर हो गया, 9 साल हो गए। मेरी एज 69 साल है सर। मुझे डायबिटीज और ये बीपी का प्रॉब्लम था, अभी यहाँ आने से पूरा कंट्रोल में है। डायबिटीज अभी 130 और ये पोस्ट मील और प्री मील ये 90 के आसपास है। अभी ये 3 दिन पहले चेक किया, अभी सब नॉर्मल है सर। अभी 14 दिन हो गए, कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आशीर्वाद आपका, धन्यवाद। ओम जी। ओम। मैं राम वर्मा, मैं लखनऊ से हूँ और मेरा बीपी 55 तक था, वो भी प्राणायाम से ठीक किया। यूरिक एसिड में तो कमाल हो गया, 9.8 था। मैं स्वामी जी को रोज फॉलो करता हूँ, सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके बैठ जाते हैं, 7:30 तक करते हैं योग। उसके बाद डॉक्टर बोला कि नहीं, बिना दवा के तो ठीक ही नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। और यूरिक एसिड के लिए हमने दाल थोड़ी सी कम की, और स्वामी जी कुलथ की दाल देते हैं तो वो हमने ऑनलाइन मंगवा ली, वो खाया और अभी 5.4 हो गया। और दूसरा एक और था कि हमारे ये गैस्ट्रिक की वजह से ये साइड में यहाँ पे चल जाता था, चूँकि सिटिंग ज़्यादा बैंक में होता है तो ये बहुत ज़्यादा पेन करता था। वो भी डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा नहीं मैं योग करूँ, कह रहे योग छोड़ दो, इससे तो ठीक ही नहीं होगा और मसल पेन शुरू हो जाएगा। उसने कहा योग, मैंने नाम डॉक्टर के यहाँ और मैं नाम लेने में गई, वो उसमें सारा में है डॉक्टर अरुण गुप्ता, तो उनसे मैंने कहा तो वो बहुत चिढ़ गए, कह लगे कि तो स्वामी जी के पास चले जाओ। तो हमने कहा हाँ स्वामी जी के पास चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और मैंने आ करके योग किया, और योग कोई एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उनका एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल यहाँ डैमेज हो जाएंगी, और कोई डैमेज नहीं हुई। अब देखिए इधर उधर जब मैं हर तरफ चारों तरफ घुमा सकता हूँ सारा, मतलब करे तो कुछ डैमेज हो सकता है, सही तरीके से करे तो डैमेज कर। और मैं पूरा जो है योग किया, स्वामी जी को फॉलो करता हूँ, 2.5 घंटे बैठ करके योग करते हैं और सारी चीजें ठीक हो गई। चलो बहुत ये मेरे लिए वरदान है स्वामी जी, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। अब विजय भाई तुमने क्या पाया? स्वामी जी प्रणाम, मैं विजय खन्ना दिल्ली से आया हूँ। मेरी स्वामी जी पिंडियों में और शरीर हमेशा टूटता रहता, पिंडियों में बहुत दर्द रहती थी, तो एक दिन अचानक मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला कि मेरा बीपी बहुत ही लो हो गया। तो उसके बाद मैं योगा से जुड़ा, आपसे तो काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और आपके बताए निर्देशों पे, आपके बताए आदेशों पे मैं उनको फॉलो करता हूँ, और मेरा बीपी इस समय बिल्कुल नॉर्मल है, 120 और 80-85 के करीब रहता है। क्या बात। और पहले कितना हो गया था? पहले 80 तो बहुत मुश्किल से होता था और नीचे का 50 के लगभग, 50 तक डाउन मार जाता। हाँ जी, बीपी डाउन होने से भी पिंडली दुखती है, पेट खराब होने से भी पिंडली दुखती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी पिंडली दुखती है। मिट्टी पट्टी कर लो, वाटर थेरेपी कर लो, ये अलग अलग छोटे छोटे उपाय करके। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टरों की बात आ रही थी तो डॉक्टर बहन से ही पूछ लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। भस्त्रिका। ओम स्वामी जी। कपार भाति, अनुलोम विलोम, भामरी उद्गी, शीतली शीतकारी और सूक्ष्म है। चलो पैर सामने खोल लो, इतना ही करने से ही बीपी, लो बीपी सारू थी जाए। हाँ
ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं डॉक्टर माधवी अवस्थी, मैं क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे को 2014 में थायराइड डायग्नोज हुआ था और साथ में मुझे बीपी हमेशा रहता था लो, और मैं थोड़े से धूप में जाती थी, मेरे स्कूल के टाइम से मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। ये मेरे कई बार केस हिस्ट्री रही। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक साल तो दवाई खाई थायराइड की, लेकिन अचानक से एक दिन आपका जब प्रोग्राम देखा और आपने इतनी बड़ी बात कही कि तुम जानवरों के थायरोक्सिन पर जीवित हो और इंसान हो, तुम्हारे ऊपर लानत है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो सवेरे का आपका आस्था चैनल मुझे वो इतना क्लिक कर गया और ऐसा अंदर से आत्मग्लानी हुई, और तब से लेकर आज तक मैंने योगा नहीं छोड़ा। और अपने साथ साथ मैं एक दिव्यांग बच्चों का रिहैबिलिटेशन सेंटर भी संचालित करती हूँ, और वहां पर भी कई बच्चों को मैं योगा से जोड़ती हूँ, अपने पेशेंट्स को योगा के लिए हमेशा प्रेरित करती हूँ। आज हमारे संज्ञान में आपने जो चीजें दी हैं उसके लिए कोटि कोटि नमन है, और मेरा पूरा स्वास्थ्य आप ही के बताए मार्ग पर मैं चल रही हूँ, और अभी भी मुझे कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरा बीपी अब पहले से नॉर्मल है। थायराइड पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर टेस्ट करा रही हूँ, मेरा थायराइड पूरी तरीके से नेगेटिव आता है, आज तक थायराइड की कोई समस्या नहीं हुई। थायराइड ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, नहीं तो लोग बोलते हैं मतलब कितने केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक चीजें सबके बारे में जानकारी में आया, आदमी जो है ना उसको नफरत हो जाए, घिन आएगी आम लोग। 2014 में जब थायराइड हुआ उसी के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी शिकायत हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा तुम्हें वक्रासन में नहीं बैठना है, तुम्हें वज्रासन में नहीं बैठना है, टॉयलेट इंडियन शेप में नहीं बैठना है। वज्रासन बिल्कुल, मैं तो अब इतनी बढ़िया ये, और इंडियन शीट में बैठना, मैंने अपने पूरे जितने भी उन्होंने कहा उसके सब अगेंस्ट चली, और आज मैं सबको जो जो कहते थे वो सारा अगेंस्ट चलती हूँ। और उसके बाद बातें सिखाते हैं इंडियन टॉयलेट पे, मतलब मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं 10 साल इंडियन शीट में नहीं बैठी या उकड़ू नहीं बैठी तो मुझे पता है कि मेरे घुटने नहीं भी सही होने की जगह जाम हो जाएंगे, और फिर वो रिप्लेसमेंट के लिए बोलेंगे। अब ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाए और उनका रॉ मेटेरियल तैयार होता रहे। पेशेंटों को डॉक्टर अपना रॉ मेटेरियल मानते हैं कि जितना ज्यादा अच्छा रॉ मेटेरियल हो गया उतना ही बढ़िया कमाई होगी। जी भाई। स्वामी जी प्रणाम। मैं शुरू से ही, मेरा इतना बीपी लो रहता था, जेनेटिक था, मेरे पापा जी को भी शुरू से इतना लो रहता था, वे स्पोर्ट्स में थे, फिर भी उनको डॉक्टर कहते थे आप खड़े कैसे हो, लेकिन वो नमक बहुत ज्यादा खाते थे। लेकिन मैंने तो प्राणायाम से इतना सही हो ये गया। नमक ज्यादा खाना, मीठा ज्यादा खाना, बीपी लो है तो बोले चीनी ठोको, अब उनको बीपी हाई होने लग गया। लेकिन वो आपकी दवाई खाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेते, प्राणायाम अभी भी करते हैं, 80+ है। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत प्रणाम। आगे देना बहन को। ओम बाबा जी, मेरा बीपी जो है अगर 2-3 दिन भी नमक हल्का हुआ तो बीपी लो हो जाता था, लेकिन यहाँ 1 हफ्ते से है नमक ना के बराबर है, लो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि अगर नमक नहीं मिलेगा तो हमारा बीपी लो हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, 2 मुनक्के चूस लेना। हाँ, तो नहीं होगा। और हम नमक घर से लेके आए थे कि कहीं लो हो जाएगा तो खा लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी बाबा जी। पुड़िया बांध के चलते हैं कुछ नमक की, पता था कुछ तो हथेली पे चाटते रहते जी बाबा जी। हम 2011 से आपसे जुड़े हुए हैं, जब आप चित्रकूट में शिविर लगाए थे नवंबर महीने में। क्या नाम है? सुशीला। चल आशीर्वाद आगे देना। ओम बाबा जी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं मेरठ से हूँ, और मेरे को ये प्रेरणा आपसे मिली और मेरी बहन से मिली, जो आपका मनीषा से, जो कि आपका 15 सालों से योगा कर रही है और उसने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों पे विजय प्राप्त की है। और उसके अलावा लाइक मेरा भी लो बीपी रहता था, तो मैंने योगा के साथ बिल्कुल इसको कंट्रोल किया है। और मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे इतना ज्यादा सर्दी जुकाम था, मैंने आपकी सारी थेरेपीज ली और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा नाम रक्षा अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सिलीगुड़ी से। बाबा जी, मुझे थायराइड हुआ था 2014 में, तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने कहा थायराइड है, दवाई लेनी पड़ेगी, तो मैंने 1 महीना में आपका देख के धनिया का पानी पिया था सुबह, और सारे मैदे के प्रोडक्ट्स छोड़ दिए थे, और जो भी आपने सिंहासन वगैरह बताए थे वो किए थे। 1 महीने में मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया था,
और उसके बाद मुझे 15 सालों से बैक पेन का प्रॉब्लम था, मैं झुक के बैठती थी हमेशा क्योंकि पढ़ाई वगैरह रहता था। और यहाँ तो बहुत खतरनाक है, और यहाँ इससे भी ज्यादा कठिन है। बेटी के लिए ताली बजाओ। ये बेटियां सीए करना मतलब पहले सीए की पढ़ाई मतलब बोले भाई तो बहुत ही दिमाग वाले को चाहिए, तो लेडीज में ज्यादा दिमाग होता है जेंट्स में से। और यहाँ आने के बाद मेरा दो दिन में ही मुझे फर्क दिखा, मैं सीधी बैठने लग गई जो मैं 15 साल से नहीं बैठ पाती थी। और मुझे कर दिया पीसीओडी भी हुआ था 2015 में, तब से लेके अभी तक मेरा वेट सिर्फ बढ़ते गया। मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, कभी वेट नहीं घटा। यहाँ आने के बाद मेरा 3 किलो वेट घट गया 7 दिनों में। अब तेरा पीसीओडी तो कैसा? पीसीओडी अभी तक मैंने चेक नहीं कराया, वो भी ठीक हो जाएगा। कपाल भाती 1-1 घंटा 1 महीना कर लो बस। और मुझे लो बीपी की समस्या थी, मैं धूप में 2-3 घंटा चलती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाता था, और मुझे बैठ के नींबू पानी या कुछ लेना पड़ता था। यहाँ पे मैंने कोई नमक नींबू जो डाइट दिया वो फॉलो किया, और धूप में चलती हूँ पूरा दिन, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है और अब मुझे कोई दवाई की भी जरूरत। रक्षा ने तो पूरी रक्षा कर लिया। आगे देना वृंदा को। ओम बाबा जी, हम तो 2003 से आपको फॉलो करते हैं। 2003 में मुझे जबरदस्त सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया था कि अभी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर पे रोटी भी नहीं बना पाएंगे, ये सब बताते थे। तो एक दिन में एक ही डॉक्टर ने ही मुझे बताया आप आस्था चैनल देख लीजिए। तो आस्था चैनल देख लिया तो आपका प्रोग्राम चालू था, और आपने उसी टाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में ही बता रहे थे। तो आपने बताया कि 15 मिनट कपाल भाती, 15 मिनट अनुलोम विलोम, और ये सब छोटा छोटा एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करना, और मैं सब पूरा सुन लिया। तब तक मुझे कुछ हाथ से कुछ कर नहीं पाते थी, मैं उठना बैठना सब मुझे बहुत बहुत तकलीफ होता था। फिर जैसा आपने बताया तो पूरा सुन लिया, सुनने के बाद टीवी ऑफ करके 15 मिनट कपाल भाती बराबर टाइम लगा के 15 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए मुझे हाथ नाक कट लेके भी नहीं जा सकते थे, बहुत तकलीफ था। वो सब करके सूक्ष्म व्यायाम सब करके 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 सब टैबलेट सब बंद करके 1 महीने में मैंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया। फिर आप बताते रहते मेरा गुरु दक्षिणा है, तुम सब जन को सिखाना। तो फिर मैं उस बहुत जन को घर पे सबको आजू बाजू में सब बिल्डिंग में सबको सिखाते गया। फिर आप बताया तुम टीचर बन जाओ। तो फिर मैं पतंजलि का वहाँ पे जाके टीचर बने, फिर वहाँ से और भी कुछ सीखते गए, YCB का भी क्लास की सब भी किया। अब तो इसी में खो गई है तो। चल पीछे बहन को देना। हाँ, सबको कराने लगी, सबको। मेरे हस्बैंड का तबियत भी उसी के वजह से। दूसरी बहन को दो। तेने क्या क्या दो, इनसे भी पूछते हैं दोनों से। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं पाली राजस्थान से आई हूँ। मेरे घुटने में लेगामेंट का ऑपरेशन किया हुआ था, तो मैं ना तो ये वेस्ट इंडियन में बैठ सकती थी, ना ये वाला आसन कर सकती थी, और ये योगा करने के बाद मेरे घुटनों पे भी बैठ सकती हूँ, और यहाँ अब इंडियन में भी बैठ सकती हूँ। ये मेरे बहुत फर्क, अभी मेरे L4 L5 की भी प्रॉब्लम है, साइटी का भी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ इलाज करा के मेरे को इतना रिलीफ मिला है, बहुत रिलीफ मिला है। यहाँ सारी तकलीफें धीरे धीरे करके अब निकल जाएंगी पूरी। हाँ, योगा मैं 2 साल से लगातार कर रही हूँ। और खाने पीने पर हाथ हका रखी हो, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाई बने नहीं मानते। और एक दिन का दाल बाटी चूरमा 7 दिन के योग पर पानी फेर दे, है ना। इसका ध्यान रखियो दीदी। अगले बहन को देना। ओम बाबा जी। जी, मैं जयपुर से हूँ, हस्बैंड मेरे एयरफोर्स में। तो मैं 2001 से मेरे को बीपी लो हुआ, जोधपुर पोस्टिंग गई। तो इतना हो गया था, 45-70-63 पे आ गया था, मेरी आंखें नहीं खुलती। अरे राम। तो उस समय मेरे को बोले चिकनाई दो, तल के चीज दो, नींबू पानी, चीनी मैंने बहुत पिया। उस समय से मेरे को ये वेट बढ़ गया। उल्टी उल्टी चीजें और बता दी, बोले बीपी लो ऐसा, ये उल्टी उल्टी चीजें खिलाओ। बोले बीपी की वैसे कोई दवाई नहीं है, पर आप फिर भी दवाई मुझे दी एयरफोर्स से, उस दवाई के भाई ये खाओ। हाँ, ताकत के नाम पर दवाई दे देते। हाँ जी, हाँ जी, पहुँच देते ये पियो, मगर मेरा वेट बढ़ गया, और मेरे को थायराइड बॉर्डर पे, शुगर बॉर्डर पे, और मेरे को थोड़ा सा अभी ये
एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एसिडिटी हाँ। तो मैं जयपुर से अकेली आई हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए रूम नहीं मिला। एक फ्रेंड ने बोला कि आप मेरे साथ हो जाओगे, तो मैं हरियाणा वालों के साथ में आपके पास आई हूँ। महाराज जी आपका आशीष चाहिए मुझे। अब कितना है तेरा बीपी? अभी तो मेरा नॉर्मल हो गया है। अब योग से नॉर्मल होगा? ये तली भुनी नमक मीठा और ये सब बोले कैसे बीपी सही होगा? और कुछ तो जानवरों के तो मैं सीडी आपकी उस समय 2002 में एक प्रोफेसर थी मेरी फ्रेंड, उन्होंने सीडी ला के दी, बोले कमलेश एक ही आकर। तो आपका शिविर लगा था जोधपुर में तो उस समय मैं वहाँ गई थी। अच्छा, आपके शिविर में। जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, मगर ये फैट और मेरे को एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बस अभी खान पान और दो कमर महीने मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय से मेरी कमर की L4 L3 वो नस दबी हुई है। ये जो भी बता रहे ना, जो मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, ये कंटिन्यू करना जी। और बस खान पान पे 2 महीना नियंत्रण कर ले जी, पूरी रेगुलर हो जाएगी। सर इसी के लिए मैं आई हूँ बस, कि आप मेरा वेट कैसे कम हो। मेरे को कितना, कम नहीं हो रहा। कितना कम कर लिया अभी? क्या है यहाँ के कितना कम कर लिया अभी? यार 2.5। कितने दिन में? 7 दिन 8 आज जा रहे हैं महाराज जी। चलो धीरे धीरे कम हो रहा है तेरा। तो मैं दोबारा आऊंगी, जैसी जगह मिलेगी हस्बैंड और मैं दोनों आएंगे तो पूरी ठीक हो जाएगी। आपकी आशीष चाहिए बस, कैसे भी मेरे को ये एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है। वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, सौंफ का पानी, जीरा, धनिया का पानी, जो छोटे छोटे उपाय बताते ना जी, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी, ये सब खा लो। ले ली मैंने सारी, लिखी उन्होंने।